अगला प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोडॉक। घुटने से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है, किसी को शिकायत है, तो वैसे केस में हम लोग क्या यूज कराते हैं? ऑर्थोडॉक। किसी को अगर घुटने में दर्द है, हम लोग क्या इस्तेमाल कराएंगे? ऑर्थोडॉक। हड्डी से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, उसमें क्या इस्तेमाल कराएंगे? ऑर्थोडॉक। हड्डी से रिलेटेड समस्या है, उसमें क्या इस्तेमाल कराते हैं? ऑर्थोडॉक। ये समस्याएं आती क्यों है? ये टोटली समस्या हमारे खाने पीने में होने वाली गड़बड़ियों की वजह से आ रही है। किससे आती है? खाने पीने में जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से आती है। या तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन बढ़ जाती है, या यूरिक एसिड की डिपोजिशन बढ़ जाती है, और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डिपोजिशन बढ़ जाने की वजह से भी घुटने में दर्द होती है। हमारे जहां भी जोड़ है, हर जगह ऊपर वाले ने ग्रीस डाल के रखा है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन हम बात करें वो ग्रीस ही। जैसे ग्रीस होता है, तो ग्रीस रहने के बाद कोई भी हड्डी ऊपर नीचे करने में दर्द नहीं होता है, वो आराम से। जैसे बैरिंग में ग्रीस कैसे लगा देते हैं, तो घूमता है तो आवाज नहीं आती। अब वो ग्रीस कमजोर हो जाए तो उसमें आवाज आने लगता है, होता नहीं होता है। और ये अगर आपको देखना है ना, तो आप लोग अपने कोई पुरानी जो खटारा साइकिल हो उसमें ट्राई करना। कई बार आप देखते हो कि साइकिल को जब पेंडल मारते हैं, तो एक बार ऐसे मारे तक चियो, इधर से मारे रखते हो, ऐसे करता है, एक अजीब सी आवाज आती है ना, वो ग्रीस की कमजोरी के कारण आती है। तो हमारी बॉडी में भी जब ये ग्रीस सूख जाता है, तो हम जब शरीर को हिलाते डुलाते हैं, पैर को मोड़ते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, तो दो हड्डी जो होता है, दोनों हड्डी में घर्षण होती है, रगड़न होती है, और उसकी वजह से भयंकर दर्द होता है। और रियल में जो घुटने की जो दर्द होती है, या हड्डियों की जो दर्द होती है, बहुत ही पेनफुल दर्द होता है। ये बहुत ही पेनफुल दर्द होता है। कई जगहों पे मैं ऐसा देख रहा हूं, जैसे मैं अभी बिहार गया हुआ था, मैंने वहां देखा, अभी मैं मेरठ साइड में किसी एक शहर में गया था, मैंने वहां पे देखा, घुटने की दर्द शुरुआत होने के बहुत बड़ा रीजन आपके एरिया में होने वाले पानी है। पानी, आप लोग घर में फिल्टर जो नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से जो पानी होता है, पानी में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, बहुत सारे, खास करके आर्सेनिक वगैरह का अगर बहुत ज्यादा आपके पानी में मिश्रण होगा, तो ये घुटने का दर्द बहुत जल्दी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो किसी को अगर हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, घुटने का कोई दर्द हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, है ना, कमर में दर्द रहता हो, कोई बोले गैस के कारण कमर में दर्द होता है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या रिकमेंड करना चाहिए? ऑर्थोडॉक। क्या रिकमेंड कर सकते हैं? ऑर्थोडॉक रिकमेंड कर सकते हैं। ऑर्थोडॉक उनको यूज करना चाहिए। ऐसे केसेस में ऑर्थोडॉक यूज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऑर्थोडॉक इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? खाने के एक घंटे बाद 20 ml दो टाइम। इस्तेमाल कैसे करना है? तो 60 ml गुनगुना पानी ले लेना, और उसमें 20 ml ऑर्थोडॉक डालना है। 60 ml गुनगुना पानी में 20 ml ऑर्थोडॉक मिला के, और चाय जैसे सिप करते हुए पीना है। कैसे पीना है? चाय जैसे सिप करते हुए, जैसे चाय आप सिप करके पीते हैं, वैसे चाय जैसे सिप करते हुए आपको पीना है ऑर्थोडॉक। ले सकते हैं? लेकिन ऑर्थोडॉक के साथ दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको अगर आप अटैच करके देते हैं, तो रिजल्ट की जो चांसेस वो बहुत बढ़ जाती है। पहला है थंडर ब्लास्ट, और दूसरा है नोनी जूस। ऑर्थोडॉक में अगर आप थंडर ब्लास्ट और नोनी किसी एक के साथ अगर आप देते हैं, तो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमेशा याद रखिए, जो घुटने में दर्द या आर्थराइटिस के जो पेशेंट आपके सामने हैं, या किसी कमर में दर्द वगैरह वाले, या किसी का हड्डी टेढ़ा हो गया, ऐसे जितने भी केसेस हैं, इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम स्टिफनेस के चलते, बहुत हार्ड दर्द होता है उसके चलते बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान रहते हैं, लोग ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसे में डाइट या आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो आप आयुर्वेदिक जो उनको आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, उसमें पावर वाले सप्लीमेंट देने जरूरी होते हैं, इसलिए थंडर ब्लास्ट देते हैं। थंडर ब्लास्ट क्या करता है? इंटरनल एनर्जी और स्टेमिना, उसमें सिलाजीट डाला हुआ है, जो कि घुटने के दर्द के लिए रामबाण माना जाता है। नोनी भी एक पावर देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एसिड की डिपोजिशन वो हटाने का काम करता है। आप मल्टी विटामिन बीटा डॉग भी दे सकते हैं। ओमेगा 3 कैप्सूल जरूर देना आज के बाद। ऑर्थोडॉक के साथ ओमेगा 3 कैप्सूल जरूर देना, क्योंकि 60% रीजन लोग की फैटी एसिड की डिपोजिशन हट जाने की वजह से, क्योंकि ओमेगा 3 एक पार्ट होता है साइनोवियल फ्लूइड का, और उसके वजह से बहुत सारे लोग ऐसे, कई लोगों को आपने देखा होगा ऑर्थोडॉक के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया 2-3 महीने के बाद। तो अभी तक हम उनको ये बता देते थे कि भैया अब नहीं हो सकता, कोई नहीं, आप दूसरा कुछ कर लो। अभी आप उन लोगों की रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल के थ्रू, क्योंकि ओमेगा 3 कैप्सूल डायरेक्टली हर जोड़ों के ऊपर
वर्कआउट करता है, जहां से जो साइनोवियल फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है वो इंक्रीज कर जाती है, तो आपको एज ए सप्लीमेंट दोनों टाइम एक एक कैप्सूल की एडवाइस आप जरूर करें, ओमेगा 3 कैप्सूल। समझ में आ गया? इससे रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बहुत ज्यादा अगर किसी को दर्द होता है, जो बिल्कुल असहनीय दर्द है, जो अभी आपके ऑर्थोडॉग लेके कुछ दिन वेट नहीं कर सकता है, तो नॉर्मल दर्द को सही करने के लिए अपने पास दो प्रोडक्ट हैं, ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल और ज्वाइंट क्रिएटर जेल। तो आपको बहुत ज्यादा अगर दर्द हो तो ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल और ज्वाइंट क्रिएटर जेल देना है। ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल हाथ में लेके जहां घुटना है वहां पे लगाना है, जोर जोर से मालिश नहीं करना है, वैसी जेल जो है वो लगाना है, इसकी मालिश नहीं करनी होती। क्लियर समझ में आ रहा है? कहीं भी दर्द हो, माथा में दर्द हो, ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल आप यूज करवा दीजिए। घुटने में दर्द हो, ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल लगा दीजिए। मस्कुलर पेन हो, वहां ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल। सर्दी खांसी जुकाम बच्चे को हो, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल सिर में लगा दीजिए, नाकों में लगा दीजिए, और सीने पे अगर मालिश कर देते हैं छोटे छोटे बच्चे तक को, तो रात भर में रिलीफ मिल जाता है सर्दी खांसी जुकाम का। समझ में आ गया? तलवे में मालिश कर देते हैं, अगर किसी को फीवर वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तलवे वगैरह में अगर ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल से अगर आप मालिश कर देते हैं तो उसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑर्थोडॉग के साथ जब भी आप किसी को ऑर्थोडॉग रिकमेंड करते हैं, ऑर्थोडॉग अगर आप देते हैं, तो ऑर्थोडॉग के साथ कुछ प्रिकॉशन है जो आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट बहुत काम करता है इस केस में। कई लोगों की केस ये आ रही है कि सर मैंने 4 महीना यूज किया, रिजल्ट नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप 3 महीना किसी को इस्तेमाल कराए, रिजल्ट नहीं आएगा, 4th महीने में रिजल्ट आ जाता है, ऐसा होगा। तो लोग बोले कि परेशान ना हो, कम से कम 5 से 6 महीना आप इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं घुटने के दर्द होने के, अर्थराइटिस होने के, बहुत सारे रीजन होते हैं। एकलौता कोई भी सिंगल रीजन इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आपके खाने पीने में अगर बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स की कमी है, 100% आपको घुटने का दर्द हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो खूब दूध पीते हैं, तो केवल दूध पीने से घुटने का दर्द सही हो जाए ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ जो आपको डाइट चार्ट जो फॉलो करने के लिए उनको बताना होता है, ये जरूर आप ध्यान में रखिए कि सामने वाला बैलेंस डाइट इस्तेमाल जरूर करे। नहीं करता है तो अपना 2-3 प्रोडक्ट उसको जरूर दीजिए, जैसे मोरिंगा हो गया, आप जरूर दे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जो मोरी डॉग हमारे पास है, आप एज ए सप्लीमेंट्री उसको खाने के लिए दे सकते हैं। बीटा डॉग दे सकते हैं, जिससे विटामिन मिलता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे रिजल्ट आपकी बढ़ जाती है। खट्टा खाने के लिए आप मना कर दीजिए, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, है ना। आप सप्लीमेंट में ओमेगा 3 कैप्सूल की मैंने अभी बात बोली है, वो आप दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ऑर्थोडॉक्स का कोई भी है तो उसको आप बोलिए कि अपनी सुबह में मॉर्निंग वॉक जरूर करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ये शरीर रुकेगा तो और दर्द बढ़ेगा। क्लियर है? पानी खूब पीना है, इसकी एडवाइस आपको जरूर देना। लेना कैसे है? खाने के घंटे बाद 20 ml 60 ml गुनगुना पानी में मिला के चाय जैसे सिप करते हुए पीना। अगर थंडर ब्लास्ट देते हैं तो खाने के बाद 20 ml दूध के साथ। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स वाले को मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, ये भ्रांतियां हैं। मिल्क प्रोडक्ट जितना हो सके आप यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, दूध मट्ठा छाछ ये सब जो होता है, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल के डेट में ऑस्टियोपोरोसिस की ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर किसी को घुटने में दर्द है तो उसको मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करवाएं, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्लियर है?